दोस्तों, भाई सर अकबर अली आज हम आज हाजिर हैं नया चैप्टर लेकर के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम जो पढ़ेंगे इसमें हर साल क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हालांकि कुछ पार्ट इससे अबकी बार हटा दिया गया है, 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें COVID-19 को देखते हुए, COVID-19 कोरोना वायरस को देखते हुए कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। इतनी जरूरी नहीं है कि अगली बार भी टॉपिक्स हटाए जाए, क्योंकि अबकी बार ही हटाए गए हैं और नेक्स्ट ईयर बोर्ड में आपका ये आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आएगा। जिसके जरिए से हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हैं या ऐसे इररेगुलर हाइट को मेजर करते हैं जिसको हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते। जैसे एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, इसको मेजर करने के लिए हो सकता है कि आपको ऊपर जाना पड़े और ऊपर से नीचे आपको मेजरमेंट ले जाना पड़े जिससे आप मेजर कर सकते हैं। और एक आप जाए एक पर्वत की बात करें, एक पहाड़ की माउंटेन की बात करें, माउंटेन कुछ इस तरीके से होता है। और अगर आप इसकी हाइट मेजर करना चाहें तो हाइट क्या होगी, हाइट ये होगी। लेकिन इसका से इधर भी ऐसा कुछ होगा, इसकी हाइट तो भाई ऐसे सीधा मेजर नहीं कर सकते हैं, या तो मेजर करना तो आपको इसको ड्रिल करिए, ड्रिल करके अंदर की तरफ एक मेजरमेंट डालिए तब जाकर मेजर होगा। लेकिन वो ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे कितना ड्रिल हो रहा है आपको नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, प्लैनेट की डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। जो हमारे साइंस की बुक में प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर की जाती रखी हुई है अर्थ से, तो वो डिस्टेंस एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है। वो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकाल कर रखे हुए हैं, ठीक है, कि प्लैनेट की अर्थ से डिस्टेंस कितनी होगी, सन की अर्थ से डिस्टेंस कितनी होगी, ये सारी की सारी डिस्टेंस हमने निकाल करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज को उसकी डिस्टेंस मेजर करने में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, आगे इसका एप्लीकेशन आएगा वापस आपको ज्यादातर बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में साइड के रेशियो है, राइट ये एप्लीकेबल है ओनली राइट एंड ट्रायंगल पे, राइट एंड ट्रायंगल एप्लीकेबल है। तो अगर देखा जाए कि राइट एंड ट्रायंगल हम बना लेते हैं इसका नाम ए है, बी है और सी है, और जो बी पे है वो 90 डिग्री। ठीक है, जो बी पे है वो 90 डिग्री है। हमने क्या किया हुआ है, लेट कर लिया है कंसीडर, एबीसी एक राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एड बी, राइट एंगल का पास है बी पे। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर हो चुकी है। अब राइट एंगल एड बी पे है तो देखा जाए तो ये पूरे का सम कितना है, ये पूरे का सम, तो हमने देखा एंगल ए प्लस एंगल बी, इधर देखते हैं एंगल ए एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज हमको पता है, क्या चीज पता है, नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, याद होगी आपको। तो हमको पता है एंगल जो ए है वो नहीं मालूम, एंगल बी 90 डिग्री मालूम है, एंगल सी भी नहीं मालूम हमको,
तो हमको एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस 90 मिल चुकी है। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना मिल रहा है 90। इस बात को ध्यान रखिए, तो हमें दो एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है। ये दो एंगल का सम का मतलब क्या होता है? हमने नाइन्थ में पढ़ा था कि किन्हीं भी दो एंगल का सम, किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, यानी ए सी का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा और सी ए का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं दोनों एंगल। एंगल ए प्लस एंगल सी जो है दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए अब आगे की तरफ आते हैं। इसका मतलब एंगल ए अगर निकालना चाहे हम, यहाँ पर से एंगल ए निकालना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं? 90 माइनस एंगल सी कह सकते हैं, ठीक है? तो एंगल ए अगर चाहे तो 90 माइनस सी ये मिल सकता है आपका। अगर एंगल ए की वैल्यू चाहे तो 90 माइनस सी, और एंगल सी की वैल्यू चाहे तो 90 माइनस ए, ये आप कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हम जानते हैं कि सपोज इफ एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, यहां थीटा एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में जैसे हमारे यहाँ जो वर्ड चलते हैं एबीसीडी और काकागर जो भी आपका ठीक है और नहीं, उस तरीके से वहां पर ग्रीक वर्ड चलते हैं आपके थीटा वगैरह, ठीक है? अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब चीज डेल्टा, ये कुछ है नहीं है, कोई बड़ा बहुत बड़ा हुआ नहीं है। एक आपका डिनोट करने का, एंगल डिनोट करने का या किसी भी यूनिट को डिनोट करने का एक सिंबल है, ठीक है? कुछ वो ज्यादा है नहीं, जैसे आप एक्स वाई वेरिएबल मान के चलते हैं, इस तरीके से एंगल के रूप में किसको वेरिएबल मान के चलते हैं? थीटा को वेरिएबल मान के चलते हैं। तो सपोज अगर ये आपका थीटा है, थीटा मींस एंगल सी, थीटा मींस एंगल सी, और अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अभी तो हम केवल एक ही टर्म्स की बात कर रहे हैं, क्या चीज होता है ये चीज आप ध्यान दे दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है? दूसरी साइड, दूसरी बात, इस बात को ध्यान देंगे, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इन राइट ट्रायंगल ठीक है, साइड अपोजिट टू अक्यूट एंगल इन राइट ट्रायंगल क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है? मीन अगर हम यहां से बात कर रहे हैं, एंगल सी से बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? एंगल सी का जो परपेंडिकुलर होगा, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा वो एबी कहलाएगा। एबी क्या कहलाया? परपेंडिकुलर, ठीक है? किसके द्वारा? एंगल सी के द्वारा। और अदर देन दिस साइड, ये एडजेसेंट साइड आपकी, एक एडजेसेंट साइड आपकी क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस, और एक एडजेसेंट साइड कहलाएगी आपकी रेज। मीन एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू राइट एंगल
राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ठीक है, इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज ठीक है। आपको 90 के सामने वाली साइड का क्या नाम होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, मीन एज। हमेशा 90 के सामने वाली साइड का नाम क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर के अलावा एक और साइड बन रही है जो जस्ट बिलो ऑफ एंगल, जस्ट बिलो ऑफ एंगल क्या कहलाती है, बेस कहलाती है ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं तीसरी बात, जस्ट बिलो ऑफ, जस्ट बिलो ऑफ एक्यूट एंगल, जस्ट बिलो ऑफ एक्यूट एंगल इज कॉल्ड बेस। अभी बेस क्या है, साइड, ये आप अब लिख लीजिएगा, साइड जस्ट बिलो ऑफ एक्यूट एंगल इज कॉल्ड बेस। यानी जो जिस एक्यूट एंगल की बात हो रही है, एक्यूट एंगल को की एडजेसेंट साइड दो साइड होगी, एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड दो साइड होगी, और उन दो साइडों में से एक साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी जो कि 90 के सामने वाली होगी, और जो अदर एडजेसेंट साइड बच रही है वो बेस कहलाती है सिंपली। अब ये याद रखिए, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एक्यूट के सामने वाली साइड आपकी एक्यूट के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, बाकी जो साइड एक थर्ड साइड बच रही है जिसका नाम हम क्या कह देते हैं, बेस कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पास सारी चीज हमको पता चल रही है ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पास 90 को छोड़ करके अदर जो एंगल बन रहे हैं, अदर जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं ठीक है। यहाँ पास हमको इसकी जरूरत पड़ेगी और ये आगे की तरफ है आपके पास ठीक है। तो एंगल सी को हमने थीटा दिया, थीटा कुछ बहुत बड़ा होगा नहीं है, ये एक वेरिएबल एंगल है आपका, चेंज होता रहता है, एनीथिंग आप कुछ भी इसको मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं ठीक है। और कभी कभी हम जो एंगल हो उसी के नाम से जो आपके पास वर्टिसेस है उसी के नाम से हम डिनोट कर देते हैं, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए, एनीथिंग जो भी आपका हो उसके वर्टिसेस के नाम से हम एंगल डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब जो हमारे पास है आगे की चीज वो है रेसिड्यू, कंसीडर एंगल सी एज ए एक्यूट एंगल, आप ए को भी कंसीडर कर सकते हैं फ्रॉम एंगल सी, फ्रॉम एंगल सी, और एंगल सी से बात करेंगे तो वी नो दैट ए बी जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उसके बाद बी सी जो होगा एक्यूट के जस्ट बिलो वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, ये हो जाएगी बेस, और उसके बाद 90 के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस ठीक है, ये कहलाती है। इसको हम जो भी नाम देते हैं पी बी और एच, इसको हम पी से डिनोट कर सकते हैं, इसको बी से डिनोट कर सकते हैं, और इसको एच से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आप सी से बात कर रहे हैं तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, बेस ये कहलाएगा, और हाइपोटेन्यूज ये कहलाएगा। अगर आप सी एक्यूट एंगल न लेकर के एक्यूट एंगल आप ए की बात करते हैं तो एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस फिर से चेंज हो जाएगा। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल ए कंसिडर किए हैं, इसके इस ए के अकॉर्डिंग इसके सामने वाली साइड ये है, जस्ट बिलो वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके, तो जस्ट सामने वाली साइड ये है, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, बेस ये माना जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ये माना जाएगा।
हमेशा जब भी परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है उस एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है जिस एंगल की हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ हम एंगल ए की बात करना चाहते हैं, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर है वो बीसी है, आपका बेस जो है ए बी है, हाइपोटेन्यूस एसी आपका कभी नहीं चेंज होता। ठीक है, एंगल सी से अगर बात करेंगे तो एंगल सी से आपका परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाली साइड ए बी हो जाएगी और बेस बी सी हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रॉम एंगल सी, एंगल सी से बात कर रहे हैं, दी ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी सी इज इक्वल टू बेस, ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो साइड है ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो का नाम हम देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, वी टेक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो मतलब होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो मतलब होता है, इसका जो रेशियो आता है उस रेशियो का नाम हम कहते हैं साइन। और साइन और इसके अंदर क्या आएगा, एंगल। और वो एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो एक्यूट एंगल ही लिया जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या, साइन रेशियो। इस दोनों के इस साइड के रेशियो का क्या नाम है, साइन एंगल। यानी जिस एंगल से बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका बेस हो जाएगा। एंगल सी से अगर बात कर रहे हैं, एंगल सी से अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी है। ए बी बाई ए सी मीन्स पी बाई एच, हम कहें पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस AB by AC, इसका मतलब क्या है, साइन। और कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल C से बात हो रही है, यानी साइन C मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें हम अगर चीज की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं, तो ये एक रिलेशन आपको मिला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो आता है उसका नाम क्या होता है, साइन। जो एंगल होगा वो रखा जाएगा, जिस एंगल से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एंगल रखा जाएगा। दूसरा हमें पता चलता है कि जो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका जो होता है बेस अपॉन हाइपो मींस बेस की वैल्यू कितनी है, बीसी, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कौन है, एसी। इस आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी बाई एच का जो मतलब होता है, इसका जो रेशियो होता है वो होता है हमारे पास कॉस, कॉस। ठीक है, उसका जो रेशियो होता है उसका मतलब होता है कॉस। और कॉस जिस एंगल से बात हो रही है, जिस एंगल से हमने बेस को डिसाइड किया है उस एंगल को भी लिख देते हैं, इसका मतलब कॉस सी। ठीक है, फिर आगे की तरफ पढ़ते हैं, एक और रेशियो आता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन पी बाई बी मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपॉन बेस, इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होता है उसका नाम हम देते हैं टाइम। जिस एंगल से बात हो रही है फिर उस एंगल को भी लेते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ए बी, बेस है हमारे पास बी सी, और इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो का नाम जो होता है उसका हम देते हैं टैन। और किस एंगल से बात हो रही है, ई, इसका मतलब टैन। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद एक और चीज है, ये तो आ गए हमारे पास रिवर्स यहाँ पास, तो पी बाई एच को हम एच बाई पी बी कर सकते हैं, बी बाई एच को हम एच बाई बी बी कर सकते हैं, पी बाई बी को हम बी बाई पी बी कर सकते हैं। यहाँ पास हम रिवर्स की बात करते हैं, ये भी कर सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस मींस एसी और परपेंडिकुलर मींस बीसी। अब हाइपोटेन्यूस ने रिवर्स रेशियो जो आया, हाइपोटेन्यूस अपॉन ए, हाइपोटेन्यूस अपॉन पी परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, एसी, और एसी बाय बीसी अगर हम देखें इसका हम लिखते हैं
परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस वन परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस वन परपेंडिकुलर का मतलब होता है कॉसेक, ठीक है। इस हाइपोटेनस वन परपेंडिकुलर का जो रेशियो आता है उसका नाम क्या होता है, कॉसेक, और किस एंगल से बात हो रही है, सी से, तो कॉसेक सी, ठीक है। इसी तरीके से आप हाइपोटेनस वन बेस की भी बात कर सकते हैं, हाइपोटेनस वन बेस, सॉरी यहां पर उसको लिखना था, हाइपोटेनस हमारे पास है AC और परपेंडिकुलर हमारे पास AB, ये जरूर लिखना, ठीक है। और हाइपोटेनस अपॉन बेस, इन दोनों का रेशियो दो होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस का जो रेशियो होता है इसका नाम देते हैं हम सिर्फ, और जिस एंगल से बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस और बेस कंसीडर हो जाएगा। तो एंगल सी से बात हो रही है तो बेस हाइपोटेनस आपके पास एसी आई है, बेस आपका क्या हो गया, बीसी हो गया, और इसको हम नाम देते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस का जो नाम देते हैं वो देते हैं हम से। अब किस एंगल से बात हो रही है, सी से बात हो रही है तो से सी। इसी तरीके से बी अपॉन बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो हमें इसका जो रेशियो मिलता है उस रेशियो का नाम होता है कॉट, ठीक है। और बेस हमारे पास क्या है, पास बेस हमारे पास है बीसी और परपेंडिकुलर क्या है एबी, और इस रेशियो का नाम क्या होता है कॉट, और ये हो जाएगा कॉट। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये बेस और परपेंडिकुलर हमेशा हर एक एंगल के लिए चेंज होते हैं, ठीक है। तो अभी तो एंगल सी से हम बात कर रहे थे, जब हम एंगल ए से बात करेंगे तो ये बीसी और एबी, बीसी बेस जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और एबी जो परपेंडिकुलर वो बेस बन जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ट्रायंगल के साइड का रेशियो ही हम साइड के रेशियो को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जब हम परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तो उसको नाम देते हैं साइन, जब बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं उसका नाम देते हैं कॉस, जो एंगल से बात हो रही है उसी एंगल को रखते जाएंगे, जब परपेंडिकुलर पर बेस की बात करते हैं दोनों का रेशियो वन टू टाइम, जिस एंगल से ये परपेंडिकुलर बेस दिया गया उस एंगल को भी रखेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कॉसेक, जिस एंगल से इसको माना गया उस एंगल का नाम भी लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये किया आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एंगल ए से बात करते हैं तो एंगल ए से क्या क्या बातें हो सकती है, ठीक है। एंगल ए से हम अगर देखा जाए, इधर से लिख लेते हैं थोड़ा सा कॉल करते हैं, एंगल ए से क्या क्या हो सकता है, एंगल ए से बात करें तो परपेंडिकुलर पर बेस, परपेंडिकुलर हो गया बीसी और हाइपोटेनस हो गया आपके पास एसी, और आपका बेस क्या हो जाएगा एबी, अगर एंगल ए से बात करते हैं तो हम साइन ए लिखना चाहते हैं, एंगल ए से बात हो रही है तो साइन ए जो होगा वो क्या कहलाएगा, साइन ए ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया बीसी हो गया और बेस एबी हो गया, हाइपोटेनस एसी हो गया, तो हम ये कह सकते हैं बीसी बाय इसी तरीके से cos a के अकॉर्डिंग आपका एक और आता है, इसका नाम है tan a, और tan a को हम नाम देते हैं tan a, ठीक है। a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका bc है और आपका बेस क्या है ab है, तो क्या नाम जाएगा bc by ab, bc by ab ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपका cosec निकल के आएगा, cosec a का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपका तो ac है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर a के सामने वाला लेता है तो परपेंडिकुलर हो गया bc। इसी तरीके से sec की बात करते हैं, अगर sec की बात करते हैं तो यहां बात में हम
जो भी आपके पास है यहाँ पास हाइपोटेनस अपन बेस की बात करते हैं तो एक अकॉर्डिंग बेस आपका ए बी है और हाइपोटेनस इसकी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी। इसी तरीके से कॉट की बात करते हैं कॉट ए, कॉट ए को हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो कॉट ए की निकाल लेंगे एंगल ए की कॉट बेस तो है ए बी है तो हमने लिखा ए बी और डिवाइडेड बाई आपके पास बी सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये अलग से आपके मैसेज आ गया यानी एंगल ए से बात हो रही है तो आप देख रहे हैं साइन ए बी सी बाई ए सी है यहाँ पास साइन सी जो है ए बी बाई ए सी है यानी एंगल सी से बात हो रही तो परपेंडिकुलर आपका चेंज हो गया एंगल ए से बात हो रही तो परपेंडिकुलर बीसी हो गया तो ये आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज होता रह जाएगा या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइड के रेशियो को हमने अलग अलग नाम से जाना हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस को साइड कहा बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस कहा उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टैन कहा और हाइपोटेनस अपॉन बेस को हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को हमने कॉसेक कहा हाइपोटेनस अपॉन बेस को हमने सेक कहा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हमने कॉट कहा ठीक है तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड प्रोसीड नेक्स्ट प्रसाद हर हर बोले ये आपका हो गया
तो इस तरीके से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आपका साइड टेलिस्कोप का नाम इस आदित्य करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। फिर इसी के रिवर्स अगर देखें तो हमने देखा था एक तरीका, और जो अलग ट्रिग्नोमेट्री आई थी वो एच बाई पी आई थी, इसका नाम हमने क्या रखा था, कॉसेक। कॉसेक का मतलब होता है एच बाई पी, सेक का मतलब होता है एच बाई बी, और कॉट का जो मतलब होता है वो होता है आपका पी, सॉरी पी बाई पी। इसी को कंबाइन कर दिया गया है और हर बोले पंडित प्रदीप प्रसाद, और हर बोले पंडित प्रदीप प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। ये आपका याद करने का तरीका है, ठीक है। अब यहीं तक आपको समझ में आया होगा, यहीं रोकते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। इसको आप याद कर दीजिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, बेसिक है। इसके आगे और भी फार्मूले आते जाएंगे, तो हमने इसको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। क्या देखते हैं, साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी जो भी हो सकता है, साइन थीटा का मतलब होता है पी वाई एच। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, पी वाई एच। टैन थीटा का मतलब होता है पी बाई बी। फिर उसके बाद में आता है कॉसेक थीटा का मतलब होता है एच बाई बी। सेक थीटा का मतलब होता है एच बाई बी, और कॉट थीटा का मतलब होता है डी बाई पी, ठीक है। ये चीज आपके पास है, इसको याद कर लीजिएगा, और ये आपको समझ में आया होगा, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत जरूरी नोट है।